नमस्कार, आप देख रहे हैं LiveCities.in और मैं हूं अंकिता। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। पटना में मना PU शताब्दी समापन समारोह, नए राज्यपाल के साथ शामिल हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी। शिक्षा के क्षेत्र में बताई केंद्र की उपलब्धियां, PU की भी जमकर की तारीफ। शताब्दी समारोह पर बोले राज्यपाल लालजी टंडन, अभी और ऊंचाइयों को छुएगा PU। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होगा विकास, कुलपतियों और प्रोफेसरों को किया सम्मानित। PU को नहीं होने देंगे पैसों की कमी, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने की घोषणा। पटना यूनिवर्सिटी में खुलेंगे 11 नए विभाग, जल्दी होगी असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली। बिहार के पूर्व CM BP मंडल की जयंती आज, मधेपुरा में राजकीय समारोह का हुआ आयोजन। CM नीतीश कुमार ने किया माल्यार्पण, BP मंडल से जुड़ी कई बातों को किया साझा। लालू यादव मुंबई से पहुंचे पटना, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट ने किया डिस्चार्ज। कल झारखंड कोर्ट ने खारिज किया था बेल, 30 अगस्त तक करना है सरेंडर। मंजू वर्मा और उनके पति की बढ़ी मुश्किलें, आर्म्स एक्ट मामले में हो सकती है जेल। अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज, चेरिया बरियारपुर थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट मामला। जांच एजेंसियों पर बोले तेजस्वी यादव, गीदर भभकियों से नहीं डरते हम लोग, शेर है मेरे पिता लालू यादव, मेरे अंदर शेर का है खून। राहुल गांधी पर बिहार की कोर्ट में परिवाद दायर, मुजफ्फरपुर के कोर्ट में दर्ज हुआ मामला। देश की छवि खराब करने का आरोप, 4 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई। पटना मेयर सीता साहू को मिली धमकी, हथियार सहित उनके घर में घुसे अपराधी। इंक्रोचमेंट हटाने के विरोध में दी धमकी, मामले में 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। इंटर परीक्षार्थियों को बड़ी राहत, बिहार बोर्ड ने बढ़ाया रजिस्ट्रेशन का डेट, 30 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन फी होगा जमा, पहले 14 अगस्त तक ही थी लास्ट डेट। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी सुर्खियां, आप बने रहिए LiveCities.in के साथ। नमस्कार।